10 मार्च नूं चोणां दे नतीजे लाने जाने शुरू हो जाणगे ते नतीजिआं नूं लै के सारी सियासी पार्टियां च काफी उत्साह नजर आ रहा है। ते इस दे नाल ही जिला चोण अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ते पुलिस कमिश्नर लुधियाना वल्लों स्ट्रोंग रूमां दे कोल बने काउंटिंग सेंटर दा जायजा लिया गया। उन्हां कहा कि जिस तरीके दे नाल स्ट्रोंग रूमां दे बाहर 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है, उसे तरीके दे नाल काउंटिंग सेंटर उत्ते भी 3 लेयर दी सिक्योरिटी लगाई गई है अते सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध कीते गए ने ते चोण कमीशन दे नियमां दी पूरी तरीके दे नाल उन्हां दा निरीक्षण करना सीगा क्योंकि थोड़ा समां लग गया। असीं लंच करके जस्ट बस हुण तुहाडे कोल आ ही रहे हैं ते मैं तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा। अज ब्रीफिंग करन दा इह भाव सीगा क्योंकि 10 तरीक नूं तां एक्चुअल काउंटिंग हो ही जाणी है। अगर कल नूं कोई ब्रीफ कर दे तां उह 10th मॉर्निंग नूं जदों नूं छपदा बाई दैट टाइम तां इलैक्शन दे रिजल्ट ही आउणे शुरू हो जाणे हैं। सो असीं 8th नूं तुहानूं ब्रीफिंग तां कर रहे हैं सो दैट 9th नूं तुसीं लोकां नूं चंगी तरह इहनूं सारा सूचित कर सको। लुधियाणे ज़िले के अंदर टोटल 14 कॉन्स्टिचुएंसीज ने। ये 14 कॉन्स्टिचुएंसीज जिहड़ियां हैगियां ने सारे दे सारे दियां जिहड़ियां EVMs हन 20 फरवरी वोटां पैण तो बाद 2979 पोलिंग बूथ दियां पूरियां दियां पूरियां जिहड़ियां EVMs ने और VVPAT ने उन्हां दे जिहड़े स्ट्रोंग रूम्स ने वह सारे दे सारे लुधियाणा शहर के अंदर बनाए गए ने। ये जिहड़े हैगे है 8 बिल्डिंग्स के अंदर साढ़े सेंटर ने। इन्हां चों पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 4, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज 2, SCD कॉलेज फॉर मैन एंड वूमेन हुण तां दोनों ही हो गया उत्थे 2 जगह की काउंटिंग होनी है। आर्या कॉलेज जिहड़ा हैगा इत्थे 1 सेंटर बनेगा काउंटिंग का। इस तरह ही KVM स्कूल का जिहड़ा हॉल हैगा उत्थे 1, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमेन इत्थे 1 है, जिहड़ा पॉलीटेक्निक है साडा SRS इत्थे 1 है, खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स इत्थे 1 है, मालवा कॉलेज फॉर वूमेन इत्थे 1 है। सो टोटल 14 सेंटरां की जिहड़ी हैगी है 57 दाखा तो लैके 70 जगराओं तक जिहड़ी काउंटिंग होनी है। ये काउंटिंग 10 तरीक नूं सवेरे 8 बजे शुरू होनी है। जिहड़ा साडा पोलिंग परसोनल हैगे ने उहनां दी असीं हुण तक ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਪੋਲਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 14 ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਟੇਬਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 14 ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, 1 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ 1 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 50% ਰਿਜ਼ਰਵ 882 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਲੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-2 ਬੰਦੇ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 28 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 4 ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ EVMs ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਔਰ IT ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਨਕੋਰ ਕਰਕੇ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਫੀਡ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ IT ਪਰਸਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 10 ਸਟੋਰੀ TV।